दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग के लिए। आज मैं बात करूंगा होंडा एक्टिवा 2019 एडिशन 125 के बारे में। ये BS6 कंप्लाइंट के साथ फाइनली लॉन्च हो गया है। क्या रहेगा इसके अंदर, स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी, इसकी प्राइसिंग, 10 ऐसी चीजें जो आपको पता होना चाहिए इस स्कूटर से रिलेटेड जो आप लेने वाले हैं, अगर लेना चाह रहे हैं इस गाड़ी को। सो फ्रेंड्स, आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी बात मिस करिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या नया है। तो प्लीज आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। और मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल दैट इज रूपम ब्लॉग। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ में बेल आइकन है, उसको भी क्लिक करना ना भूलें, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, हम वेस्ट करते टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, फाइनली होंडा ने अनवील कर दिया है उसकी एक्टिवा 2019 एक्टिवा 125 विद BS6 कंप्लायंट। ये बस इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, इसमें काफी नए नए फीचर्स भी ऐड हुए जो मैं बताऊंगा एक एक करके इस वीडियो में। अगर मैं सबसे पहले फीचर्स की बात करूं तो वो आपको मिलेगा होंडा एक्टिवा 125 में, जो अभी तक होंडा एक्टिवा सीरीज में कहीं भी नहीं है। वो है इसका होंडा आइडलिंग स्टॉप सिस्टम, जिसको हम एक तरफ से बोल सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप वाला i3s जो हीरो के गाड़ियों में आता है, सेम वही फीचर इसमें एड ऑन कर दिया गया। और वो फीचर करता क्या है, जब भी आपकी गाड़ी आइडल कुछ समय के लिए रहती है तो सडनली गाड़ी का पावर को कट कर देता है, और जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करते हैं और एक्सेलेटर को पुल करते हैं तो ये गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इस पे क्या होता है, आपका फ्यूल जो बर्न होता है उतने देर खड़े रह के, वो बर्न नहीं होता है। अब दूसरी चीज की बात करूं तो ये होंडा की पहली स्कूटर है जो BS6 कंप्लायंट के साथ आएगी, क्योंकि होंडा की कोई भी दूसरी गाड़ियां है उसमें BS6 कंप्लायंट नहीं है। फाइनली ये BS6 कंप्लायंट वाला आपको इंजन मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है, और प्लस आता आपको आता है फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन के साथ। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें लगा हुआ 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि है फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जो कि पावर आउटपुट निकालता है 1.5 bhp का पावर आउटपुट, और जो टॉर्क निकलता है 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस गाड़ी में मिलता है, और ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है। मैं अगली चीज की बात करूं वो है इसकी स्टाइलिंग, तो स्टाइलिंग में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए है, सेम वही जो पहले जो कार्बोरेटेड वेरिएंट वाला जो एक्टिवा 125 था सेम वही सेटअप ही है। लेकिन इसमें आपको मिलता है LED हेडलाइट जो कि रीडिजाइन किया गया है, प्लस आपको क्रोम फिनिश मिलते हैं साइड पैनल्स में, और पीछे मिलता है आपको एक्सटर्नल फ्यूल लाइट। तो ये तीन चार चीजें इसमें एड ऑन हुआ है, प्लस आपको फ्रंट में मिलता है ग्लव बॉक्स जो कि काफी अच्छी बात है देखने में। मैं बात करूं इसके टॉप सेल फीचर्स की तो क्या क्या चीज ऐड हुई है, तो थोड़ी बहुत ही चीजें ऐड हुई है, ज्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है इस गाड़ी में। इसमें वही आपको सेम USB पोर्ट मिलेगा जहां से आप फोन चार्ज कर सकते हैं। सेकंड, आपको 4-in-1 की स्लॉट मिलेगा जो पुरानी एक्टिवा 125 में है वैसा ही है, जहां से आप सीट ओपनिंग भी कर सकते हैं फ्रंट एंड से ही। जो FI वेरियंट है जो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी एज कम्पेयर टू अदर जो ऑन गोइंग एक्टिवा है, उसके कंपेरिजन में FI वेरियंट के जो क्वालिटीज है काफी अच्छी होगी, काफी अच्छी किया गया है इस गाड़ी का। मैं वही बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है जो ओल्डर एक्टिवा 125 से, लेकिन कुछ फीचर्स एड ऑन किए गए हैं इसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इसमें आपको मिलता है एवरेज फ्यूल कि कितना एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है ऑन गोइंग। सेकंड, आपको मिलता है रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एंड जो थर्ड मिलता है आपको कि आपके पास जो फ्यूल है वो कितने रेंज तक चल सकती है, मतलब कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी और चल सकती है। तीन चीज ऐड हुई है उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्लस आपको मिलता है साइड स्टैंड इंडिकेटर जो कि अच्छी बात है, पहले नहीं था लेकिन फाइनली इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। तो इसके जो सबसे बड़े अपडेट की वो है एक्सटर्नल फ्यूल लेड, यानी कि जितनी भी एक्टिवा है 3, 4, 5G, 125 सब में देख लीजिए, आपको जो फ्यूल टैंक है वो आपको अंडर सीट मिलता है, मतलब बार बार आपको सीट ओपन करना पड़ता था। लेकिन जो नई एक्टिवा 125 BS6 कंप्लायंट के साथ आई है, इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल लेड मिलता है, दैट मींस आपको बार बार गाड़ी का सीट ओपनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ईजी हो जाता है, बहुत कन्वीनियंस हो जाता है आपको अगर एक्सटर्नल फ्यूल लेट रहता है तो। होंडा ने एक अच्छा खासा ऑफर दिया है इस गाड़ी के साथ, वो है 6 ईयर वारंटी। यस, इसमें आपको 3 ईयर वारंटी तो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, लेकिन उसके साथ आप 3 ईयर वारंटी और बढ़ा सकते हैं इस गाड़ी की, वो ऑप्शनल है, आपको बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। तो डैट मीन्स आपकी गाड़ी 6 साल के लिए सिक्योर्ड हो जाती है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। कितना प्राइस देना पड़ेगा इसको एक्सटेंड करने के लिए, वो अभी तक होंडा ने बता नहीं है। देखते हैं, जब भी ये ऑन शोरूम आएगी तब पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका क्या
एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा फॉर द 3 ईयर मोर वारंटी के लिए। तो मैं साइकिल पार्ट्स की बात करूं, इस गाड़ी में आपको वही आपको सेम सेटअप मिलता है जो एक्टिवा 125 कार्बेटेड वेरिएंट में है। तो इसमें आपको मिलता है वही फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और पीछे मिलता है मोनोशॉक ऑब्जर्वर। वही अगर मैं ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो फ्रंट में मिलता है आपको डिस्क ब्रेक और पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक की साइज की बात करूँ तो 190mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे जो ड्रम ब्रेक है वो मिलता है 130mm का ड्रम ब्रेक। और इसमें कोई भी ABS नहीं है, इसमें आपको मिलता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड। आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि 2019 एक्टिवा 125 का प्राइस क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ये लॉन्चिंग हुआ तो है 12 जून को, लेकिन वहाँ पे अभी भी प्राइस रिवील नहीं किया गया, वहाँ पे सिर्फ फीचर्स बताए गए कि क्या क्या फीचर्स रहेंगे इस गाड़ी में। अब बात करो इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट जो एक्टिवा 125 है कार्बोरेटेड वेरिएंट वाला, उससे ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 रुपये ही ज़्यादा होगा, ऐसे कंपनी ने बोला है। अब देखते हैं एक्चुअल में कितना प्राइस ये लोग अनवील करते हैं, वो तो उस टाइम ही समझ में आएगा कब मिलेगी और कब हम परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जून चल रहा है, जून के एंड तक आप इसकी गाड़ी की बुकिंग कर सकते हैं और विद इन 10 to 15 डेज के अंदर इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग के मन में आएगा कि कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी आएगी। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो 4 कलर है होंडा एक्टिवा कार्बोरेटेड वेरिएंट का, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज रेड ब्लू व्हाइट एंड ब्लैक, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ जो FI वर्जन है उसमें और 2 कलर और ऐड होके आएगा, दैट इज ब्राउन एंड ग्रे, ये 2 कलर और ऐड होके आएगा। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद एक सिल्वर कलर होता तो अच्छा रहता, लेकिन अभी सिल्वर कलर नहीं मिलेगा आपको 125 में, अगर होता तो बेटर होता। बात करें सबसे मेन चीज जो है इसकी कॉम्पिटिशन, गाड़ी फाइनली लॉन्च होगी, हेल लॉट ऑफ फीचर्स के साथ आपको मिलती है, लेकिन क्या ये कम्पीट कर पाती है हीरो माइस्ट्रो 125 जो कि रिसेंटली FI वर्जन के साथ लॉन्च हुई है, और TVS एंट्रॉक एक्चुअली वो तो कार्बोरेटेड वेरियंट ही है, लेकिन शायद TVS भी बहुत जल्द FI वर्जन ला सकता है। लेकिन रिसेंटली अभी इसका मेन कंपटीशन है हीरो माइस्ट्रो 125। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये 10 फीचर जो इस गाड़ी में है? अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ये गाड़ी को, तो ये 10 फीचर आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या इसके फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एड ऑन होके आ रहा है, सारी चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं बताऊँगा एक्टिवा 125 2016 BS6 वर्सेस हीरो माइस्ट्रो 125 FI वर्जन, वो कंपैरिजन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी इस गाड़ियों में होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट होंडा एक्टिवा 125 BS6 2019 एडिशन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना। फ्रेंड्स, इस बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का हैंडलर दिख रहा होगा यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन करिए, मैं विद इन 12 से 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट भी कुछ भी हो सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।